मैं बिन पंखों का जुगनू था, जहाजी कर दिया मुझको। मैं बिन पंखों का जुगनू था, जहाजी कर दिया मुझको। गजल ने छू लिया तनवीर। मैं बिन पंखों का जुगनू था, जहाजी कर दिया मुझको। गजल ने छू लिया तनवीर गाजी, कर दिया मुझको नई मस्जिद के पीछे। घर है उस मासूम लड़की का, मोहब्बत शुक्रिया तूने नमाजी कर दिया मुझको। मोहब्बत शुक्रिया तूने नमाजी कर दिया मुझको। क्योंकि भाई ये बात सच है, क्योंकि इस महफिल में बहुत से लोग ऐसे, किस किस ने मोहब्बत की जरा एक बार मुझे हाथ उठा के बताओ। देखो मेरी पार्टी में किस किस ने मोहब्बत की, आप लोगों में से मोहब्बत किस किस ने की है, जरा जोर जल्दी से हाथ उठाओ। क्योंकि गलत ना समझे आप, मोहब्बत के भी कई रूप होते हैं। किसी ने अपने माँ बाप से मोहब्बत की है, किसी ने अपने भाई बहन से मोहब्बत की है, किसी ने पीराने पीर से मोहब्बत की है, किसी ने इस देश से मोहब्बत की है, और किसी ने मतलब वगैरह वगैरह भी मोहब्बत की है। लेकिन ये चार में नजर कर रहा हूं, मुलायजा करें। ये बात सच है कि तेरे बहुत करीब हूं मैं, हाँ ये भी सच है किसी और का नसीब हूं मैं। ये बात सच है कि तेरे बहुत करीब हूं मैं, हाँ ये भी सच है किसी और का नसीब हूं मैं। फिर उसके बाद कोई खत नहीं लिखा उसने, किसी से सुन लिया होगा बहुत गरीब हूं मैं। किसी से सुन लिया होगा बहुत गरीब। ये एक आशिक कह रहा है अपनी महबूबा से। उस आशिक के साथ क्या हुआ, लफ्ज मेरे हैं, कहानी आप खुद समझ जाएंगे। दोस्तों मैंने भी एक बार मोहब्बत की थी, रात दिन बैठ के एक बुत की इबादत की थी, पर मुझे मेरी मोहब्बत का सिला कुछ न मिला। मेरे आंगन में कोई फूल खुशी का न खिला। अब ये हालत है कि दिन रात सितम सहता हूं, दिल तड़पता है तो रो रो के यही कहता हूं। क्या कहता हूं, क्या बताऊं तुम्हें मैं। क्या बात है, वाह। जियो
बड़े प्यारे मिसरे हैं क्या? सजा भी खूब मिली तुझसे दिल लगाने की, खटक रहे हैं निगाहों में हम जमाने की, खटक रहे हैं निगाहों में हम जमाने की। लेकिन कैसे, क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं तुम्हें मैं, वो क्या दे गया से मुझे नवाजा है, क्योंकि भाई बड़ा प्यारा मतला नजर कर रहा हूं। ये क्या क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं तुम्हें मैं, वो क्या दे गया क्या बताऊं तुम्हें। नौजवान भाइयों से भी तवज्जो, क्या बताऊं तुम्हें मैं, वो क्या दे गया। रात भर जागने की सजा दे गया, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अगला शेर नजर कर रहा हूं। रात भर जागने की सजा दे गया, जिसको चाहा था मैंने। ये शेर में तमाम नौजवानों की नजर करता हूं। जिसको चाहा था मैंने, दिलो जान से तो मुझको धोखा वही पे वफा दे गया, इस शेर के लिए ये गजल पढ़ी है मैंने जो अब पढ़ रहा हूं। इस शेर के लिए गजल क्या, मैं अपनी मां बहनों से भी तवज्जो चाहूंगा शेर पर, और तमाम नौजवान भाइयों से भी तवज्जो चाहता हूं जो चेयर पर बैठे हैं। क्या आए हाय, पूरी कमेटी से तवज्जो चाहता हूं शेर पर। मंजिले पढ़ के चूमेंगी उसके कदम, 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 मंजिले पढ़ के चूमेंगी उसके कदम। किसके,
अपने माँ बाप, अपने माँ बाप, अपने माँ बाप की जो दुआ ले गया, अपने माँ बाप की उसके कदम को मंजिले बढ़ चूमेंगी, उसके कदम मंजिले बढ़ के चूमेंगी, उसके कदम किसके, अपने माँ बाप, अपने माँ बाप, अपने माँ बाप की जो दुआ ले गया, आंगन में लगे पेड़ की उल्फत नहीं होती, आंगन में लगे पेड़ की उल्फत नहीं होती, छांव की मगर किसको जरूरत नहीं होती। दुनिया का खजाना अगर मिल जाए तो कम है, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। मनोहर राणा साहब कहते हैं कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, कि हम तन्हा नहीं चलते दवा भी। हकीकत होगी शेर के अंदर, बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, ये जिंदगी बन गई आज के दौर में सबकी। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, कि हम तन्हा नहीं चलते दवा भी साथ चलती है। अभी अभी जिंदा है मियां, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं घर से जब निकलता हूं दुआ भी साथ चलती है। किसी के हिस्से में मकान आया, ये भी मनोहर राणा साहब है, किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में दुकान आई, मियां मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। कैसा वो अपना प्यार जताने की जिद में था, हर वक्त मुझको अपना बनाने की जिद में था। कल रात मियां कल रात रो रहा था वो जो बच्चा कब्र पर, शायद वो अपनी मां को जगाने की जिद में था, शायद वो अपनी मां को जगाने की जिद में था। अरे हरे हर एक भोली अदाओं पे नाश करता हूं, हर एक भोली अदाओं पे नाश करता हूं, ज़ईफ लपकी वफाओं पे नाश करता हूं। ये ताजो तख्त मुबारक हो दोस्तों तुमको, मैं अपनी मां की दुआओं पे नाश करता हूं, मैं अपनी माँ की दुआओं पे नाच करता हूँ। ये भी आजकल का माहौल है कि आपके लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे, आपके लड़के, आपके लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे, छोड़कर माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। आपके लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे, छोड़कर माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। मुफलिसी की धूप में छप्पर थे जिनको भी अजीज, अब मिल गई दौलत तो नैनीताल में रहने लगे,
अब मिल गई दौलत तो नैनीताल में रहने लगे, क्योंकि बाप से बद कलाम करता है, बाप से बद कलाम करता है और ससुर को सलाम करता है। बाप से बद कलाम करता है और ससुर को सलाम। नहीं नहीं हंसे नहीं, बहुत से लोग होंगे। बाप से बद कलाम करता है और ससुर को सलाम करता है, बेटा देता है गालियां मां को और सास का एहतराम करता है। ये आखिरी चार मिसरे पढ़ रहा हूं कि फकीर देखकर दरवाजा क्यों लगाता है। आए हाय, बिल्कुल हकीकत और सच्चाई। फकीर देखकर दरवाजा क्यों लगाता है? ऐ मेरे दोस्त, बुरा वक्त सब पे आता है और इस माल दौलत पे क्यों इतराता है? न जाने किसके मुकद्दर से तू कमाता है, न जाने किसके मुकद्दर से तू कमाता है। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं क्या? मरने वाले को फिर, मरने वाले को फिर जिंदगी मिल गई, मरने वाले को फिर जिंदगी मिल गई, मरने वाले को फिर जिंदगी मिल गई, मरने वाले को फिर जिंदगी मिल गई। लेकिन कैसे? अपने दामन, अपने दामन, अपने दामन की चबुओ हवा दे गया, मंजिले बर के चूमेगी उसके कदम, आहा। ये माँ का तो शेर सुनते ही हो, लेकिन बेचारा बाप भी है, बाप का भी ख्याल होना चाहिए। अब जरा बाप का भी सुनो। जवानी की तेज खाकर बात करता है, जवानी की तेज खाकर बात करता है, बुढ़ापे को नीचा दिखाकर बात करता है। मेरे मौला, उस शख्स से तू छीन ले आंखें जो अपने बाप से नजरें मिला के बात करता है। मंजिले बढ़ के चूमेगी उसके कदम, किसके? अपने माँ बाप, अपने माँ बाप, अपने माँ बाप की जो दुआ दे गया, वो क्या दे गया।